आम आदमी पार्टी का तो काम तो ठीक है। हाँ। स्कूल वगैरह सही कर दिए हैं, हॉस्पिटल वगैरह भी सही। आदमी पार्टी ने कैसा काम? काम बहुत अच्छा किया, जो भी किया अच्छा किया। आम आदमी पार्टी का काम बिल्कुल ठीक है। हाँ। जैसे कर रहा है दिल्ली में। हाँ। और सब हर पार्टी अपने ही नाम लाती है, लेकिन आम आदमी ने थोड़ा काम किया दिल्ली। सारे टॉयलेट चल रहे हैं एमसीडी के, बीजेपी ओनली, मोदी जी विशेष रवि नहीं, मोदी सरकार है हमारे लिए। दिल्ली मॉडल बन रही है। अरे मॉडल नहीं बन रही है, बेवकूफ बना रहा मॉडल के नाम पे। विशेष बना रहा है विशेष रवि अरविंद केजरीवाल। 25 साल से मैं बीजेपी में जुड़ा था। हाँ। आज मुसीबत पड़ी मेरे ऊपर, कोई देखने वाला नहीं है, न मोदी न शिवराज न कोई भी। अच्छा। तो मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? एक दिन गया था संसद भवन तो मेरे को जाने भी नहीं। इस बार तो बीजेपी आनी चाहिए। वैसे आप तो कह रहे सेंट्रल में भी चेंज होनी चाहिए, तो जब आएगी तब आएगी ना, अभी प्रेजेंट टाइम में हमको चेंज चाहिए। हाँ सर, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूदगी मेरी पहाड़गंज इलाके में है और आपको बता दूं यहां से जो विधायक हैं वो विशेष रवि है। और आपको बता दूं बीती रात जो अरविंद केजरीवाल पर विकासपुरी में हमला हुआ है, उसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि ये भाजपा की साजिश है, भाजपा ने गुंडे भेजे हैं। तो वही भाजपा के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि वहां की जनता जो है अरविंद केजरीवाल के काम के लिए विरोध कर रही थी, इस वजह से उन पर हमला हुआ है। तो जानने की कोशिश करेंगे दिल्ली की जनता क्या कुछ कहना चाहती है और काम कैसे लग रहे हैं आम आदमी पार्टी के, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी का तो काम तो ठीक है। हाँ। स्कूल वगैरह सही कर दिए हैं, हॉस्पिटल वगैरह भी सही। अभी अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ है, भाजपा का नाम आ रहा है, इसमें भाजपा पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ये तो राजनीति बात है, इसके बारे में तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते। आदमी पार्टी ने कैसा काम? काम बहुत अच्छा किया, जो भी किया। विधानसभा चुनाव है, आम आदमी पार्टी आएगी, रिपीट हो आ सकती है? आम आदमी पार्टी का काम बिल्कुल ठीक है। हाँ। जैसे कर रहा है दिल्ली में। हाँ। और सब हर पार्टी अपने ही नाम लाती है, लेकिन आम आदमी ने थोड़ा काम किया है दिल्ली में। थोड़ा ही काम किया, बिजली का बिल, बसों को सीटें लेडीज के लिए अच्छा करा उसने। हाँ। नल का बिल थोड़ा माफ करा है। अच्छा। फ्री पानी दिया, फ्री बिजली दिया है। यहाँ पर जो विशेष अभी विधायक है आम आदमी पार्टी से, कैसा काम किया? अच्छा काम है, मिलती है सफाई, मिलती है काम, अच्छा करता है वो। हाँ। विशेष रवि इलाके में अपने अपने अच्छा काम किया उसने। और जो है बाकी बीजेपी अपनी जगह वो अपना नाम गाते हैं, ये अपना गाते हैं, लेकिन इस समय दिल्ली में जो है थोड़ा काम विशेष रवि ने सही करा है। सही करा है। हाँ। आप जैसे ये रेडी लगा रहे हैं, लाइसेंस बना है आपका हमारी पार्टी? हम तो बहुत पुराने हैं, हमारा तो कम से कम मदन लाल खुराना जी तो वही लाइसेंस बनवा रहे थे। अच्छा। 1970-72 में हमारे पिताजी बैठते थे, अब हम बैठते हैं। अच्छा, अभी क्या है दिल्ली विधानसभा के चुनाव है, क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी आएगी, बदलाव होना चाहिए? अब देखो जब समय आएगा तो पता चल जाएगा। वैसे आम आदमी ने काम अच्छा करा तो आम आदमी को आएगी, जनता उन्हीं के साथ रहेगी। सही काम नहीं करेगा तो जनता बीजेपी में चली जाएगी, बदलाव तो होता ही रहता है। लेकिन इस समय जो है विशेष रवि थोड़ा दिल्ली में काम अच्छा करा। अच्छा काम करा। हाँ, पहाड़गंज एरिया, करोल बाग अपने एरिया में अच्छा काम करा। दिल्ली मॉडल बन रही है जैसे कहते हैं, थोड़ा साफ सफाई तो दिखी रही है अब दिल्ली में। और अभी सड़कें बनवाने में लगा हुआ विशेष रवि भी। हाँ। और केजरीवाल भी। हाँ? मैम सारे टॉयलेट चल रहे हैं एमसीडी के, बीजेपी ओनली, मोदी जी विशेष रवि नहीं। अच्छा। मोदी सरकार है हमारे लिए। दिल्ली मॉडल बन रही है। अरे मॉडल नहीं बन रही है, बेवकूफ बना रहा मॉडल के नाम पे विशेष बना रहा है विशेष रवि अरविंद केजरीवाल। अच्छा, अभी जो अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ है, कह रहे भाजपा वालों ने करवाया? वो भाजपा वाले नहीं है, वो केजरीवाल के ही आदमी है। ये तो खुद बड़े बड़े आतंकवादियों से मिले हैं केजरीवाल जी। अच्छा। हाँ, कट्टर ईमानदार है। कट्टर ईमानदार है तो झोपड़ी में रहे, बंगलों में काई को रह रहे? कट्टर ईमानदार तो रोड पे रहते हैं, बंगलों में दौड़ना रहते हैं। कट्टर ईमानदार छोड़ दिया ना बंगला, तो बंगला मजबूरी में छोड़ा ना मोदी जी ने, बंगला छोड़वाया। उससे पहले कहाँ बंगला छोड़ रहे थे, वो तो कह रहा है एक घर और दो मुझे। कह रहे मोदी जी जो भाजपा है वो लगातार फंसाने की कोशिश कर रही है। भाजपा तो उसको बचाने की कोशिश कर रही है कि सुधर जा। हाँ। तू इनकम टैक्स ऑफिसर था, तू खुद ही रिश्वत खा रही है लोगों से, काला धन तेरे पास है, तो काई का तू इनकम टैक्स ऑफिसर है? वो इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं है मोदी जी, हम उनके राज में कमा रहे हैं ओनली फॉर बीजेपी। मोदी जी कभी नहीं आएंगे दिल्ली में, वो दोबारा आएंगे, इनके सर पे चढ़ के आएंगे वो।
हाँ जी, भाजपा को कोई चांस नहीं है दिल्ली में? अरे भाजपा का आपके कहने से और मेरे कहने से चांस ही नहीं है, वो आएंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। अरे केजरीवाल जी तो बैठ गए, अब वो तो आराम करेंगे सोफे पे। बताइए जो शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगे, इस पर क्या? ये केजरीवाल जी तो लोगों का घर खराब कर रहे थे, एक के साथ एक, फ्री घर में रोटी नहीं बन रही है और वो पौवा पी के सोए जा रहे हैं सड़कों पे, तो ये सब केजरीवाल जी है, बीजेपी ढूंढना है। ये सड़कें वड़के बनवाई है यहाँ पर। अब विशेष रवि जी ने एक मेरे पहलवान लोंडो को बोले थे 1.5 लाख लूंगा, 1.5 रुपए अभी नहीं दिए उसे आज तक, 5 साल हो गए। विशेष रवि जी कैसी है स्थिति, कैसी है यहाँ पर? यहाँ पर बहुत खराब स्थिति है इस समय, सिर्फ बीजेपी काम करती है इधर, बीजेपी काम करती है। हाँ जी, मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ। मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी इज गुड मैन। केजरीवाल कार्यकर्ता हूँ मैं, 25 साल से मैं बीजेपी में जुड़ा था। आज मुसीबत पड़ी मेरे ऊपर, कोई देखने वाला नहीं है, न मोदी न शिवराज न कोई भी। अच्छा। तो मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? एक दिन गया था संसद भवन तो मेरे को जाने भी नहीं दिया, बोला वो तुम्हारा नहीं, मोदी के घर जाओ, बंगले जाओ। अच्छा। तो मोदी का बंगला मैं कहां से जा सकता हूं, मैं नहीं जा पाया। ऐसी हालत कैसे हो गई आपकी? मैं कुएं में गिर गया था। अच्छा। इसी पार्टी उल्टी के चक्कर में। अच्छा। अब पार्टी के चक्कर में बीजेपी के ही चक्कर में बीजेपी ने मुझे भीख मंगा दिया। अच्छा। बीजेपी ने मुझे भीख मंगाया है। हाँ, बीजेपी ने। ये बताइए केजरीवाल कैसे लग रहे काम? केजरीवाल अच्छा आदमी है। हाँ। मैं तो उसकी पार्टी में नहीं था। हाँ। अभी भी नहीं हूँ, पर है अच्छा आदमी। भाजपा वाले कहते हैं चोर है केजरीवाल। ना ना ना, केजरीवाल को उप प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, उप मुख्यमंत्री बनते हैं। हाँ। मुख्यमंत्री बनते तो उप मुख्यमंत्री बनते। हाँ। लेकिन उप प्रधानमंत्री बनना चाहिए। प्रधानमंत्री बनाना चाहिए मैडम, ये दोबारा मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। आप ये जामा मस्जिद जाओ, चांदी चौक जाओ, ओनली फॉर मुस्लिम का राज चलता है, ये मोदी सरकार है, जो ये हिंदू खड़े हैं यहाँ जी, ये केजरीवाल राज में ताऊ की उम्र हो गई है। पार्टी का काम अब काफी टाइम हो गया, चेंज होना चाहिए। हाँ, सेंट्रल में भी चेंज हो, यहाँ पर भी चेंज हो तो ज्यादा बेहतर है। मतलब भाजपा भी चेंज हो जाए और आम आदमी पार्टी, कहने का मीन से जब उनका टाइम आए तब वो चेंज हो, लेकिन अभी कौन आना चाहिए अगर दोनों चेंज हो जाएंगे? अभी आपको पता ही है कौन, बताइए। इस बार तो बीजेपी आनी चाहिए वैसे। आप तो कह रहे हैं सेंट्रल में भी चेंज होनी चाहिए, तो जब आएगी तब आएगी ना, अभी प्रेजेंट टाइम में हमको चेंज चाहिए। ये बताइए जब दिल्ली में केजरीवाल जब जेल में बंद थे तब क्या हाल था दिल्ली? देखिए काम तो कभी रुका ही नहीं दिल्ली का। हाँ। जब शीला दीक्षित थी तब भी नहीं काम रुका और अभी भी काम नहीं रुका। ठीक है, अरविंद केजरीवाल पर विकासपुरी में हमला हुआ पद यात्रा के दौरान। हाँ। भाजपा आम आदमी पार्टी कह रही है भाजपा वालों का ये षड्यंत्र। देखिए इसके लिए बहुत सारी ईडी बैठी हुई है, बहुत सारी एजेंसी बैठी, हम लोगों का बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोगों को अब कहना नहीं चाहिए, बहुत सारी चीजें मैनिपुलेट करके दिखाई जाती है ना। साफ सफाई दिखती है दिल्ली में? नहीं नहीं दिखती। नहीं, आप देख लीजिए, दिखाइए कैमरा, मोड़िए जरा से। सड़के वड़के तो विशेष रवि यहाँ से? हाँ, अभी तो नहीं कह सकते हैं, अगर पॉश एरिया छोड़ दिया जाए तो लोकल एरिया के हाल बहुत। ट्रैफिक की समस्या? मैं बताता हूँ, मैं अभी कश्मीरी बाग से यहाँ तक आया हूँ। हाँ। और 8 किलोमीटर का रास्ता है और मैंने 1.5 घंटा तय किया है, अब मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ। कैसी देखने को मिलती है? नहीं, अच्छी नहीं। थैंक यू, थैंक यू। 40 साल में हो गए, हुई नहीं आज तक, 10 साल में कहाँ से होगी। अभी ये बताइए कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव है, बदलाव होना चाहिए या आम आदमी पार्टी आनी चाहिए? आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। क्यों? वही सही है, बस वही सही है। हाँ। चलिए देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। पहाड़गंज इलाके में मौजूद थी और सामने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, यहाँ जानने की कोशिश कर रही थी कि विशेष रवि ने कैसा काम किया, सड़कें बनी है पर लोगों को उनका काम कुछ पसंद भी आया है और कुछ लोगों की बड़ी शिकायत है कि MCD के जो शौचालय हैं वो सड़े हुए हैं और सड़कें भी टूटी हुई है और 40 साल से ट्रैफिक की समस्या 10 साल में भी खत्म नहीं हो पाई है। तो आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली की स्थिति क्या है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे NCR समाचार।